हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब रेलवे मेरा जुनून है, तो इस उद्देश्य के साथ दोस्तों एलपी टेक्नीशियन जो CBT-2 है उससे संबंधित बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कार्य शक्ति और ऊर्जा। एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ कार्य शक्ति और ऊर्जा का, और ये कुल मिलाकर 500 वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर भी टॉप 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है। अगर दोस्तों कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये कार्य एनर्जी एंड पावर से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके जो CBT-2 होगा उसमें जो आपके टॉपिक है, जैसे वेलोसिटी है, वो दूरी है, समय है, उससे संबंधित टॉपिक ज़्यादातर न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरेटिकल बात बहुत कम आएगा। इसी प्रकार जैसे पावर एनर्जी और वो कार्य के सवाल है, इनमें भी ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है जो पूछ सके तो पूछेगा, तो आपको सिंपली सिंपल न्यूमेरिकल आ जाएगा। जैसे गतिज ऊर्जा क्या है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या है, कार्य क्या है, इस तरह के सवाल आएंगे। तो आज का पहला सवाल है इस वीडियो का, टोटल 16 सवाल है। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 केजी मीटर पर सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो आपको क्या करना है, इसमें बल निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संवेग का फॉर्मूला क्या था। तो संवेग बराबर होता है पी बराबर एम बी, लेकिन यहाँ पर तो आपको बल पूछ रहा है, तो बल आपके पास नहीं है, तो किस प्रकार आप इसको निकालोगे ये इसके अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ओके दोस्तों, जैसे आपको एफ का मान निकालने के लिए एक तो एम चाहिए और एक ए चाहिए, तो एम तो पहले से दे रखा है लेकिन ए नहीं है। ए क्या था, इसका किसी भी जो कण है उसका क्या होता, त्वरण होता है। ए बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, यानी जो वेग बटा समय, ये क्या हो जाता है इसका ए का मान होता है। तो आप क्या करना है, इस जो ये वाला फॉर्मूला है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो ऊपर नीचे आपको क्या करना है, टी से गुणा करना। जिसे आप टी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बटा टी आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये वाला टी अलग हो जाएगा। बी बटा टी का मान ए होता है, तो क्या हो जाएगा, संवेग एम ए इंटू टी। तो एम ए का मान कितना होता है, एफ होता है, और तो ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो संवेग का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है, तो आपको क्या करना है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बटा टाइम। तो संवेग 40 है और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड, तो 40 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 8। इसको दोस्तों एक बार और समझ सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, लेकिन यहाँ आपको क्या निकालना, बल निकालना है, यानी एफ का मान निकालना। तो एफ के लिए क्या पता होना चाहिए, एक तो द्रव्यमान पता होना चाहिए, एक उसका एक का मान पता होना चाहिए, यानी एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम आपको पता है लेकिन क्या पता नहीं, ए नहीं है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो ए बराबर होता है बी बटा टी। तो ए के लिए क्या पता करना आपको, बी बटा टी, बी तो है आपके पास लेकिन टी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे टी से इंटू करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा बी बटा टी। इस बी बटा टी की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। अब आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो एम ए का मान कितना होता, एफ होता, तो एम ए की जगह आपने क्या कर दिया, एफ रख दिया, और टी अपनी जगह सेम टू सेम रहेगा। अब इसके बाद आपको सवाल में दे रखा कि पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो एफ बराबर हो जाएगा पी बटा टी। पी का मान कितना रखेंगे, 40, और टी का मान रखेंगे 5, तो 40 बटा 5
तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन। दोस्तों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। अगर जैसे आपको बल पूछे तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बल होता है क्या, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब यहाँ पता होना चाहिए कि यानी एम ए होता है, फिर यहाँ ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, तो ए का मान पता होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, बी वटा टी, तो बी वटा टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे टी से इंटू करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। जैसे दोस्तों कभी भी जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़े, कुछ भी कार्य, किसी भी तरह का सवाल आए, तो आपको वहाँ पर जी लेना है, और जी की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, अगर 9.8 लेना है, अगर 9.8 से आंसर नहीं आता है तो आपको क्या लेना, 10 इसकी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा, बल का मान दे रखा, यानी भार क्या होता है, एक तरह का बल होता है। ये दोस्तों ध्यान रख लेना कि जो भार होता है किसी पिंड का, वही उसका बल क्या होता है, बल होता है। तो बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम जी आएगा। यहाँ जी क्यों आएगा, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के विरोध कार्य हो रहा है, जिसे पृथ्वी की बात हो रही है और उसकी सतह पर किसी पिंड की बात हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ त्वरण का मान क्या लेना पड़ेगा, जी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बल का मान कितना रहेगा, 29.4 इसका मान दे रखा है, पूछ रहा है इसका द्रव्यमान कितना, यानी एम का मान पूछ रहा है, तो जी का मान पता है 9.8 होता है। जैसे आप 29.4 में 9.8 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। यहाँ वो देख सकते हैं अच्छी तरह से, आप सबको पता है यानी जो बाहर, यानी बाहर कोई बल बोलते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा जी हो जाएगा। डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, 29.4, और जी का मान कितना होता है, 9.8, जैसे इसका भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 3 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान का अनुपात 3:1 है, उनकी गतिज ऊर्जा समान है, बी और ए के रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब उन दो वस्तुओं के क्या करना है, अगर उनकी गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है, समान दे रखी है, या तो वेग का मान पूछेगा या रेखीय संवेग का मान पूछेगा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए B1 अनुपात B2 या P1 अनुपात P2, यानी P क्या संवेग है, तो आपको क्या करना है, जो द्रव्यमान दे रखा है उनको उसका अंडर रूट लेना है, जिसे 3:1 दे रखा है, और इन अनुपात को क्या करना, उल्टा करना, एक का अंडर रूट एक आ जाएगा, 3 का क्या जाएगा। और दोस्तों यहाँ B और एक के रेखीय अनुपात पूछ रहा है, तो B का मान अंडर रूट 3, A का मान 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नहीं, सबसे पहले जिस क्वेश्चन है उसके हिसाब से लेते हैं, बी का संवेग अनुपात ए का संवेग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका द्रव्यमान दे रखा है उसको उसके उल्टा लेना, यानी द्रव्यमान का जो अनुपात है उसका उल्टा लिखना है। तो द्रव्यमान का अनुपात 3:1 है, लेकिन ये ए अनुपात बी है, यानी एक अनुपात, तो इसको कैसे लिखना, 3:1, और इसका क्या कर देना, अंडर रूट कर देना, तो इससे आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 50 kg भार का लड़का 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है, तो लड़के द्वारा चढ़ाई करते हुए विकसित शक्ति क्या होगी। यानी एक लड़का है जो 50 किलो भार का है, वो 6 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, तो उसके द्वारा जो चढ़ाई में जो विकसित हुई शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पावर का मान पता होना चाहिए, पावर बराबर होता है P बराबर
कार्य बटा टी, यानी जो कार्य करने की दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो डब्लू का मान कितना होता है, एम जी एच बटा टी। देखो यहाँ एम का मान कितना दे रखा है, 50 kg, जी का मान पता है या तो 10 होगा या 9.8 होगा, तो यहाँ पर देखो 10 9.8 से आंसर नहीं आएगा तो यहाँ लेना पड़ेगा 10। और एच का मान कितना दे रखा, 6 मीटर। और टी का मान कितना, 1 मिनट, 1 मिनट यानी सेकंड में मान लेना, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। नीचे कर देखते हैं हम, देखो एम का मान कितना, 50 kg, यानी जो एच या विस्थापन कितना, 6, टाइम कितना है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम जी एच यानी द्रव्यमान 50, जी का मान 10 और इसकी जो एच उसका मान 6, 50 गुणा 10 गुणा 6 बटा 60। अब जैसे 6 से इस 6 को 60 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 10, और इस 10 को 10 से काटेंगे तो अब कितना बचा अपने पास, ओनली 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 वाट, यानी कितनी शक्ति है, 50 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक न्यूटन का एक बल 50 ग्राम द्रव्यमान पर कार्य करता है तो उसका त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है, MA होता है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, A का मान कितना होगा, तो A बराबर हो जाएगा F बटा M, और F का मान कितना दे रखा, 1 न्यूटन, और एम का मान कितना, 500 ग्राम। अब ग्राम को क्या करना है, आपको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में, तो 1000 का भाग लगेंगे यानी 1000 से ऊपर इंटू कर दो। तो अब नीचे देखते हैं, देखो जैसे मैंने बताया बेसा हो रहा यानी ए बराबर हो जाएगा ए बटा एम, एफ का मान कितना 1, और एम का मान कितना 500 बटा 1000। तो कितना बचेगा, जैसे इसको काटेंगे नीचे 2 यानी ऊपर कितना जाएगा, 2, तो कितना उसका त्वरण आ गया, 2 यानी 2 m/s² इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन का एक बल लगभग के बराबर होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो 1 न्यूटन का बल है किसके बराबर होता है, वो आपको निकालना है। यानी इसका मतलब ये कि 1 न्यूटन का एक बल दे रखा है तो उसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा, इसका पूछने का मतलब ये है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। सबसे पहले एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, इसकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू, एफ की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता नहीं है, एम की। तो एम बराबर हो जाएगा एफ बटा ए, एफ कितना 1 न्यूटन है, ए का मान कितना 9.8 यानी 1/9.8। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये kg में आंसर आएगा, किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना, 1000 से इंटू कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है, ये एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बड़ा है और बड़ा बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो इसका बलागुण कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बलागुण का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बलागुण बराबर होता है बल
इनटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी जो बलागुण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन है। यानी अब यह देखना कि बल कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, और विस्थापन कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो 10 × 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 40। तो इसका सही आंसर है 40 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, 1 5 न्यूटन का एक बल 1 2 द्रव्यमान पर कार्य करता है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए F बराबर होता है, ये तो सबको रटाव आ चुका होगा, A में तो किसका मान पूछ रहा, A का मान पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा F बटा M। F का मान कितना दे रखा, 5, और M का मान कितना दे रखा, 2। तो कितना जाएगा, 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल मुझमाने याद हो गया होगा कि बल बराबर क्या होता है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 75 kg द्रव्यमान के एक शक्ति एक व्यक्ति का संवेग क्या होगा, यानी 75 kg उसका वजन है जब वह 2 m/s के एक समान वेग से साथ में चलता। दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के सवाल आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आपको इनका बेस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है एम भी होता है, या देखो एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। बी क्या है, उसका वेग है, तो वेग कितना देगा, 2 m/s, 2, यानी 75 × 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 150। यहाँ देख सकते हैं संवेग बराबर होता है एम बी, एम का मान कितना 75 और बी का मान है 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 150। अगला, एक इंजन प्रति मिनट 1200 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो इस इंजन की शक्ति क्या होगी। देखो जैसे जूल आता है आपको पता होना चाहिए जूल किस का मात्रक है, ये ऊर्जा, ये कार्य का मात्रक है, तो यानी कार्य कितना दे रखा, 12000 जूल प्रति मिनट, यानी एक, तो एक मिनट टाइम कितना हो गया, एक मिनट, तो इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखो कार्य कितना दे रखा, 12000 जूल, टी यानी समय कितना, एक मिनट, एक मिनट का मतलब 4 सेकेंड, और आपको पता होना चाहिए शक्ति बराबर क्या होता है, यानी जो पावर होती है पी बराबर W/T होता, तो W का मान तो हो गया 12000 और T का मान हो गया 60, तो 12000/60, तो जैसे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 200 वाट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बल 2 kg की एक वस्तु को 0.5 m/s² का त्वरण प्रदान करता है, वही बल 10 kg की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा। सबसे पहले तो आपको इस सवाल में क्या करना, बल निकालना, उसी बल को दूसरी वस्तु पर लगाना, उसके बाद दूसरी वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले किसी वस्तु पर बल लगाना है, वो निकालना है, तो बल बराबर होता है एम है, एम की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 0.5, 2 × 5 करेंगे तो एक क्या जाएगा, इसका न्यूटन बल आ जाएगा, क्योंकि 2 × 0.5 करेंगे 10 आएगा, तो एक पॉइंट लगाएंगे तो एक इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बल क्या करना है, किसी वस्तु पर लगाना है, उस वस्तु का वजन कितना 10 kg है, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा ये निकालना है। तो आपको पता है एक का मान होता है एफ बटा एम, एफ की वैल्यू कितनी 1, कितना आ जाएगा, और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 1/10 यानी 0.1 इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये देख सकते हैं आप इसके सेकंड में। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगा कि मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, चलो बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, उसे एक ब्रेक लगाकर 80 सेकंड में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो उसका मंदन बल क्या होगा। तो सबसे पहले जो वेग दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये 20 मीटर पर सेकंड आपको याद रखना है। उसके बाद में उस पर क्या लगाया जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है और 80 सेकेंड में विराम में लाया जाता है। अब पता है आपको इसका वेग कितना आया था, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको विराम में लाने के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 0, यानी वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 20 से 0। तो वेग में परिवर्तन 20 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समय कितना लग रहा है उसको, 80 सेकेंड। तो आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है, यानी ए का मान क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन किए कितना हुआ, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना है, 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ए का मान कितना गया, 1/4। उसका मंदन बल निकालना है तो यानी एफ का मान निकालना, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, और ए की वैल्यू अभी निकालिए आप, अपन ने 1/4, तो 1200 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन। तो इसका आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। तो नीचे एक देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन पूरा, यानी द्रव्यमान कितना दे रखा, तो द्रव्यमान दे रखा इसका 1200 केजी, जो वेग किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, इसको चेंज किस में करना, मीटर पर सेकंड में, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहलाता है। तो ए बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 20 से 0 आ रहा है, यानी 20 माइनस 0 बटा 80, तो कितना आ जाएगा, 0.25। अब आपको क्या निकालना है, उसका जो मंदन बल यानी एफ निकालना, तो एफ बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना 1200, और ए का मान कितना, 0.25, जैसे इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक 1.5 मीटर लंबे आदमी के सिर पर 50 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य सभी बलों को अपेक्षा करते हुए बताए कि 10 मीटर चलने पर उसने कितना कार्य किया। दोस्तों अगर बल और विस्थापन की दिशा के बीच अगर 90 डिग्री का कोण है तो कार्य हमेशा शून्य होता है। या देखो ये आदमी मान सकते हैं, और व्यक्ति इस तरह चल रहा है, इसका वजन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी इस तरह। तो बल और विस्थापन में कितने डिग्री कोण आ रहा है, 90 डिग्री का। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर हो तथा उसकी लंबाई 60 से 70 सेमी कर दी जाती है, तो उस स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो स्प्रिंग है उसकी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए, क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। के क्या है इसका नियतांक है, और एक्स क्या है जो स्प्रिंग की जो लंबाई उसमें जो चेंज हो रहा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखो के का मान कितना दे रखा है,
तो किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कितना, 100 न्यूटन पर मीटर, यानी के का मान 100 है, एक्स का मान कितना हो जाएगा 60 से 17 हो रहा है यानी 10। तो आप निकाल सकते हैं, अब यहाँ देखो किस में दे रखा, सेमी में दे रखा, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग लें तो कितना आ जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 गुणा के गुणा एक्स स्क्वायर। तो के का मान कितना, के का मान 100 दे रखा, एक्स का मान पॉइंट कितना है 10, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 जूल। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।